सो मूविंग टू अनदर गुड वन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन. ये भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है. पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 6% एवरी ईयर. ठीक है. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,900, फाइंड इट्स पॉपुलेशन अ ईयर अगो. सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ये समझना है, कोई भी टाउन जो होता है जनरली उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना. ऐसे तो कभी होता ही नहीं कि डिक्रीज होती है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है मीन्स वहाँ डेथ रेट ज़्यादा है, जो अच्छे सिम्टम नहीं है. बर्थ रेट ज़्यादा होना चाहिए और टाउन को बढ़ता ही जाना चाहिए. ये पर्टिकुलर जो टाउन है इसकी पॉपुलेशन हर ईयर में 6% इंक्रीज हो रही है. लेट से अगर टाउन की पॉपुलेशन 100 थी, तो 100 थी लास्ट ईयर, इस साल कितनी हो जाएगी 106. फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन 6% से इंक्रीज हो जाएगी. अगेन हम इस क्वेश्चन को कितने तरीके से करेंगे, दो तरीके से. मैंने आपको जैसा बताया, x से भी हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 100 से भी, फिर बाकी आपको जो इजी लगे. तो हम पहले 100 से करते हैं. लेट द पॉपुलेशन फॉर पास्ट ईयर, मतलब पहले कितनी पॉपुलेशन थी 100, तो हम उसका स्टेटमेंट बनाएंगे. लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी 100 अ ईयर अगो, मीन्स पास्ट में पहले कितनी थी 100, नाउ इंक्रीज बाय 6%. सो नाउ पॉपुलेशन फॉर प्रेजेंट कर देते हम, दिस से अच्छा बेटर है प्रेजेंट ईयर. प्रेजेंट ईयर इज कितना होगा, 6% से इंक्रीज है. मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ 100 का 6% 6 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 106. मीन्स प्रीवियस पॉपुलेशन वॉज 100 एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 106. अब हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 106, देन ईयर अगो पॉपुलेशन वॉज 100. इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1, देन द ईयर अगो पॉपुलेशन वॉज 100/106. इफ अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज क्वेश्चन में क्लियर दी हुई है 15,900, देन द पास्ट पॉपुलेशन वॉज 100/106 इंटू 15,900. अब हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे. इसको जब हम कट डाउन करेंगे तो आफ्टर कटिंग डाउन आंसर विल बी 15,000. मीन्स उस टाउन की लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन थी वो थी 15,000. अब थोड़े और बर्थ हो गए हैं तो 6% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, और अब जो पॉपुलेशन हो चुकी है वो कितनी है, 15,900. मीन्स 900 लोग लास्ट ईयर से ज़्यादा हो गए हैं इस पर्टिकुलर टाउन में. ये तो हमने किससे सॉल्व किया, 100 से. अब इसी क्वेश्चन को हम x से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेट द, मैं शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रही हूँ, पास्ट ईयर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन बी एक्स। अब क्या है आपका इंक्रीमेंट, कितने परसेंट का, 6% का, 6% ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा 6/100 इंटू एक्स मीन्स 6x/100। सो नाउ प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 6x, अब इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया 106x/100। ये आ गया, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, पॉपुलेशन x अज्यूम करी, पहले हमने उसका इंक्रीमेंट निकाल लिया 6% से, तो 6% का इंक्रीमेंट जब निकाला तो कितना आया 6x/100, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारी अभी करंट पॉपुलेशन कितनी आ चुकी है, इतनी। अब उन्होंने ऑलरेडी दी है करंट पॉपुलेशन इज 15,900, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 15,900 इंटू 100 अपॉन 106, इसको जब हम कैंसिल करेंगे सो आंसर विल बी 15,000। प्रीवियस या पास्ट पॉपुलेशन वॉज 15,000 एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 15,900। आई थिंक ये एक्स से थोड़ा छोटा लग रहा है, बट स्टिल आपको जो बेटर लगे आप उससे सॉल्व करें, राइट। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% and then it is decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent. Find the net increase or decrease percent. क्वेश्चन दिया है कि कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता कि वो क्या नंबर है, पहले वो इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी नंबर था वो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके बाद वो जो जो बड़ा हो गया है वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पहले तो जो इंक्रीज है वो फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहां पर क्या अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी 100 से करना इजी होता है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द नंबर बी 100। नाउ 10% इंक्रीज ऑफ नंबर, पहले हम इंक्रीज निकालें, कितना होगा 10, मैंने आपको बताया डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, बट स्टिल हमने आपको निकाल के बताया, सो द नंबर आफ्टर इंक्रीमेंट, क्योंकि नंबर अब बढ़ चुका है, इंक्रीमेंट इज, ओरिजिनल कितना था 100, 10 बढ़ चुका है, सो नाउ योर नंबर इज 110। ये जो स्टेप है आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं, सो द नंबर आफ्टर इंक्रीज इज 100+10 मीन्स 110। अब एक्चुअल नंबर क्या बन चुका है 110 के बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अब इसका सेकेंड पार्ट, अब हम क्या निकालेंगे, डिक्रीज, डिक्रीज बाय 10% ऑफ द नंबर, तो 10% ऑफ, यहां पर अब जो हम नंबर लेंगे इट इज नॉट 100, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 110, क्योंकि वो बढ़ चुका था 10% से, तो अब एक्चुअल नंबर कितना है 110,
अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 11, दिस इज डिक्रीमेंट, नंबर क्या हुआ, अब हम निकालेंगे, सो द फाइनल नंबर आफ्टर डिक्रीज 110 एक्चुअल था, 110 में से जो सब्ट्रैक्ट होगा वो कितना होगा 11, सो आंसर इज 99। अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर आया है 99, एक्चुअल नंबर हमने क्या एज्यूम किया था 100, बड़ा फिर वापस डिक्रीज हुआ, वो सब अप्स एंड डाउन्स के बाद आपका जो फाइनल नंबर आया दैट इज 99, मतलब कितने का डिफरेंस आया, केवल एक का, सो द डिक्रीमेंट इज, उसका आप स्टेटमेंट लिखेंगे द नेट डिक्रीज इज, नंबर वॉज 100, नाउ फाइनली योर नंबर इज 99, सो जो नेट डिक्रीज या आप नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो बोलते हैं वो कितना आ चुका है 1। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहले तो पता करिए कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, हमारे केस में क्या आया है डिक्रीज, उसके बाद उसका परसेंट निकालने को बोला है, तो अब आप निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज इज, क्या होता है परसेंट निकालना बहुत ही आसान है, जो डिक्रीज है अपॉन 100 इंटू 100, तो 1% का डिक्रीमेंट हुआ, 100 रुपए की चीज थी फाइनली अप्स एंड डाउन्स होने के बाद 99 रुपीज की हो चुकी है, मीन्स 1% का डिक्रीमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी, कोई एक नंबर था, नंबर की प्राइस थोड़ी सी बड़ी, बढ़ने के बाद वो क्या हो गया थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 100 था तो 100 से कितना हो गया 110 हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज जो हुआ वो 110 से हुआ, 100 से नहीं हुआ, 100 से पहुंचा 110, 110 से वो हो गया डिक्रीज होके कहां पहुंचा यहां पर, तो फाइनली कितना हो गया 99, नंबर था 100, फाइनल कन्वर्शन के बाद वो कितना हो गया 99, मीन्स 1% का डिक्रीमेंट उस पर्टिकुलर नंबर में हुआ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस तरह के जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज वेरी छोटू सा एग्जाम्पल, फाइंड द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% 100% प्योर गोल्ड। ठीक है, बहुत ही छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोल्ड सबने देखा है, गोल्ड जो होता है सबसे प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का माना जाता है। हम कहते हैं ना लाइक पुराने जमाने में हमारे दादा दादी और उनसे पहले जो ये राजा लोग होते थे, किंग्स लोग, क्वीन लोग, उनके पास जो गोल्ड होता था एक्चुअली इट वॉज प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता था। आजकल हम जो ज्वेलरी यूज करते हैं आइदर वो 22 कैरेट होती है, 20 कैरेट, और उससे भी आजकल कम की ज्वेलरी होती है वो 18 कैरेट तक की होती है। इन सब टर्म का मतलब ये है कि पहले सबसे प्योर होता था, अब धीरे धीरे उसमें वो कुछ मिक्सचर्स डाल रहे हैं जिससे उसकी प्योरिटी कम हो रही है और इम्प्योरिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमें 24 कैरेट और 22 कैरेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा होगा, इन
22 कैरेट गोल्ड इज 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स, मीन्स 24 कैरेट में से हमें कितना की बात कर रहे हैं, 22 कैरेट के, तो आपका क्या होगा 22 अपॉन 24 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये आपका होगा 2 से कैंसिल, 1100 अपॉन 12, जिसे आप डिवाइड देंगे सो आंसर विल बी 91 2/3%। वन लाइन का क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिंपल सा करा, 24 कैरेट गोल्ड को 100% प्योर माना है अगर, तो 22 कैरेट गोल्ड कितना होता है, ऑलमोस्ट 91%। और अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 कितना होता होगा, तो वो ऑलमोस्ट 80 होता होगा, और 18 कैरेट गोल्ड कितना होता होगा, वो ऑलमोस्ट 70 या 65% के इक्वल होता होगा। इट्स का पर्पस जो बताने का ये है कि अगर 100% कोई चीज प्योर है और सेकेंड केस में 91% आ रही है प्योर, तो इसका मतलब 10% इसमें इम्प्योरिटी है, 91% गोल्ड है और 10% इसमें आइदर कॉपर है और कुछ और मेटल मिलाया हुआ है, ठीक है। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का काम होता है पूरा गोल्ड के अंदर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं, थोड़ा समय से यहां पे ले लेते। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लाइक अदर गेम्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 56 लैक्स, ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लासेस में भी आप कर चुके हैं और आप रूटीन में भी इसे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट क्रिकेट पसंद करते हैं, नहीं, लाइक आई लाइक क्रिकेट वेरी मच बट आई डोंट लाइक फुटबॉल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स मिलेंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल करते हैं, और कुछ जो है वो ना क्रिकेट पसंद करते हैं ना फुटबॉल करते हैं, मे बी वो टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कुछ और पसंद करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। टोटल होता है हमारा 100%, 100% में से 60 जो है क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, 30 जो है वो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, मीन्स 90% जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद कर रहे हैं, एंड रेस्ट 10% जो है वो और कोई गेम को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें परसेंटेज का कन्फिगरेशन मिल गया, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल who like other games, other का हम पहले निकाल लें क्योंकि हमें इससे क्लियर मिल रहा है other games, 100 माइनस 60 माइनस 30, 100 में से 60 क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बाकी जो 10 बचे हैं वो other games खेल रहे हैं,
ये तो एक तरीका हुआ करने का, और आपको इसको नहीं करना है तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। 60% हु लाइक्स, एक एक गेम का बताया उन्होंने, कहा है हर गेम की निकाल ली हमें। हु लाइक्स क्रिकेट, क्या करेंगे 60% ऑफ 56 लाख्स, 56 लाख को कन्वर्ट कर लेते हैं हम ऑफ 56, 5 जीरोज लग जाएंगे बिकॉज लाख दिया हुआ है, 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए और ये सॉल्व होके आएगा 33, 60 एंड 3 जीरोस। इतने लोग और स्टूडेंट और पीपल क्रिकेट पसंद करते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। नाउ 30% ऑफ 30% हु लाइक्स फुटबॉल, क्योंकि उन्होंने एक एक गेम का हमको बोला है कि आप पता करिए हु लाइक्स फुटबॉल, तो क्या होगा 30% ऑफ 56 लाख। 30% को हमने सॉल्व किया, 56 लाख के हमने 5 जीरोस पुट कर दिए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, एंड फाइनली इसका जो आंसर आएगा दैट इज 16, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर को, 16, 80 एंड 000। इतने लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, 33, 60, 000 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, एंड इतने लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को ऐड कर देंगे, 56 लाख्स में से माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ दी आ जाएंगे पीपल कि वो क्या पसंद करते हैं, राइट। बट हम इसे दो तरीके से यहाँ कर सकते हैं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन को रब करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर काफी स्पेस है, ये वाला क्वेश्चन हम यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में लिख देती हूं, क्रिकेट का आपका आ चुका है, क्रिकेट लवर क्या हो गए 33, 60, 000, फुटबॉल लवर आ चुके हैं 16, 80, 000। दो तरीके हैं, आप इन दोनों को ऐड कर दें, अदर गेम्स लवर, ठीक है, क्या होगा 56 लाख्स, क्योंकि इतने लोग तो टोटल हैं, माइनस दिस माइनस दिस, ये जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा जो लोग दूसरे गेम पसंद करते हैं, ना वो क्रिकेट पसंद करते हैं ना वो फुटबॉल पसंद करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप एक और तरीके से करना चाहते हैं, यहीं पे मैं बता रही हूं बहुत शॉर्ट में, ये तो है ही प्रॉपर प्रोसीजर कि हमने क्रिकेट का निकाल लिया, फुटबॉल का निकाल लिया और टोटल में से उनको माइनस कर दिया। एक और तरीका था, हमने ओरली आपको बताया था पीपल हु लाइक अदर गेम्स आर 10%, 10% लोग जो है वो अदर गेम पसंद करते हैं, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, अदर गेम्स लवर आर 10% ऑफ 56 लाख्स, कर सकते थे ना, तो 10/100 × 56 लाख के हमने 5 जीरो लगा दिया, कैंसिल हो गए, इसका आंसर आया 560 एंड 000, ठीक है। तो इतने लोग जो हैं वो दूसरा गेम पसंद करते हैं। स्टूडेंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालें, बट जो भी करें वो सही करें, हमारा पर्पस केवल ये होता है। सो नाउ एक अलग ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो हमने अभी तक के सॉल्व नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके एमसीक्यूज वगैरह में आता है, बट हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्स इज 5% ऑफ वाई, वाई इज 2% ऑफ जेड। इफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स इज 480, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड। ठीक है बहुत ही छोटू सा, बट स्टिल पढ़ने में थोड़ा हमें अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, हम एक 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 इक्वेशन इसकी फॉर्म करेंगे। x इज 5% ऑफ y, लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया जितना आप क्वेश्चन को ब्रेक करके ध्यान से पढ़ेंगे आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म होगी। x इज मीन्स इक्वल्स टू 5% मीन्स 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई y, ये मेरी बन गई इक्वेशन वन। सेकेंड मतलब कॉमा के बाद वाला मैं पढ़ रही हूँ, y इज 2% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई z, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही मेंशन करा, इफ x इक्वल्स टू 40 गिवन है, x इक्वल्स टू 40 नहीं सॉरी 480, सो व्हाट आई विल डू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। जो भी इक्वेशन थी जहां x आ रहा है वहां मैं क्या करूंगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इनटू y, इन प्लेस ऑफ x आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 480, बाकी मेरी इक्वेशन वैसी की वैसी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज करके प्रॉपरली लिख दूं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया मैथ्स में हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि जो भी हमें फाइंड करना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे रहे। ऐसा करने से मेरे लिए आसान हुआ सॉल्व करना, मुझे क्या निकालना है y, जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसे राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूंगी, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इसको मैंने कट डाउन किया, सॉल्व किया, तो आई थिंक इसका आंसर 9600 आएगा, y इक्वल्स टू 9600। ठीक है, अब y आ चुका है तो मुझे क्या निकालना है z, सो व्हाट आई विल डू, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2/100 इंटू जेड, अगेन मैं ट्रांसपोज करूंगी 2/100 इंटू जेड, बिकॉज हमारा अननोन वेरिएबल क्या है z, इक्वल टू y, अब y की वैल्यू हमें पता है 2/100 इंटू जेड इक्वल टू 9600, राइट। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, z इक्वल्स टू 9600 इंटू 100/2, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 8, 2 8 16, 0 0, सो योर फाइनल आंसर इज 48 00 and 00। दे हैव आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z, y की वैल्यू कितनी आई है 9600 एंड z की वैल्यू कितनी आई है 48 00 and 00। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, राइट। सो सेकेंड वन इज अ कूली डिपॉजिट्स रुपीज, कूली डिपॉजिट्स रुपीज 150 पर मंथ इन हिज in his post office savings bank account, if this is 15% of
हिज मंथली इनकम? मंथली इनकम, फाइंड हिज मंथली इनकम. ठीक है, कूली को सब जानते हैं, कूली जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपके लगेज उठाते हैं. ऑब्वियस है वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वो कुछ सेविंग भी करते होंगे फॉर फ्यूचर. कूली जो है वो 150 रुपीज डिपॉजिट करता है पर मंथ. मीन्स कूली की सेविंग कितनी है? 150 रुपीज पर मंथ. और दो तरीके से क्वेश्चन में कहा है, इफ दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, जो भी उसकी मंथली इनकम है, लेट से 2000, 3000, 5000, मुझे नहीं पता, उसका 15% जो भी आता है, दैट इज उसकी सेविंग. सेविंग दो तरह से इस क्वेश्चन में दी हुई है, एक डायरेक्ट अमाउंट दिया है कि 150 रुपीज ही सेव्स, दूसरी लैंग्वेज में दिया है 15% ऑफ हिज टोटल इनकम. हम दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे करेंगे और दो मेथड से करेंगे, एक्स के भी मेथड से करेंगे, 100 के भी मेथड से करेंगे. लेट द टोटल इनकम ऑफ द कूली इज एक्स रुपीज. मान लीजिए वो पर मंथ एक्स रुपीज अर्न करता है. हिज सेविंग इज, सेविंग इज 15% ऑफ टोटल इनकम. क्लियर स्टेटमेंट दिया हुआ है. 15% मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल इनकम मीन्स इतना, 15x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 150, क्योंकि ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है. दे हैव क्लियरली मेंशनड इन द क्वेश्चन कि वो 150 रुपीज सेव करता है, और वही 150 रुपीज को अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो वो टोटल सैलरी का 15% सेव करता है. तो हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया. जो निकालना है अननोन वेरिएबल है, वी विल कीप एट लेफ्ट साइड, राइट में बाकी ट्रांसपोज कर देंगे. 150 × 100 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आप, सॉरी ये कितना है, 5 × 3 = 15 है ये, सॉरी 15 tens, सो योर आंसर इज 1000 रुपीज. मीन्स कुली की जो इनकम है वो 1000 रुपीज पर मंथ है, उस 1000 में से वो 150 रुपीज सेव करता है. मीन्स कुली बहुत ही समझदार आदमी है, क्योंकि हर इंसान को जो भी आप अर्न करते हो उसमें से कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए. तो ये तो हमने क्या किया? एक्स से किया. अब इसी क्वेश्चन को हम 100 से भी कर सकते हैं. लेट से द इनकम ऑफ द कुली इज, इनकम ऑफ द कुली इज, जो भी बात कर रहे हैं पर मंथ की कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपीज. 100 रुपीज उसकी क्या है? इनकम. उस इनकम का वो 15% सेव करता है. 100 का 15% मैं यहां निकाल के नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली बताऊंगी कितना होता है, 15 रुपीज. तो अब आपका स्टेटमेंट बनेगा, इफ 15 रुपीज ही सेव्स देन हिज इनकम इज 100 रुपीज. ये जो भी बात है वो पर मंथ की, यहां मेंशन कर दे द इनकम पर मंथ ऑफ द कुली, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये साल भर की इनकम है. ठीक है, हम जो भी इसमें स्टेटमेंट लिख रहे हैं सब में पर मंथ ही है. ठीक है, 15 रुपीज वो सेव कर रहा है जब उसकी इनकम कितनी अज्यूम करी है हमने, 100. इफ ही सेव्स 1 रुपीज देन इनकम कितनी हुई, 100 अपॉन 15 रुपीज. क्लियरली दिया है इफ ही सेव्स 150 रुपीज तो उसकी इनकम क्या होना चाहिए, 100 upon 15 × 150. इसको कट डाउन किया, सो आंसर इज 1000 रुपीज. आप चाहे एक्स से करें, आप चाहे 100 रुपीज अज्यूम करें,
परसेंटेज सॉल्व करना बहुत बहुत इजी है, सिर्फ आपके क्वेश्चन को आपको समझना है। और स्टूडेंट एक मेरी बात हमेशा ध्यान रखे, कोई भी प्रॉब्लम सम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम सम हो, आप उसको पार्ट्स में पढ़ें। पार्ट्स में जो जो एक एक पार्ट में इक्वेशन फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म होता जा रहा है वो लिखते जाइए। क्वेश्चन को कभी भी एक साथ पूरा नहीं पढ़ना। आपने भी देखा होगा मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बट आई हैव नेवर रेड होल क्वेश्चन एट अ टाइम। मैं पार्ट्स में करती हूँ, जहाँ भी उसमें कॉमा फुल स्टॉप आ रहा है उतने पार्ट को समझती हूँ, समझने के बाद उतने पार्ट की इक्वेशन फॉर्म करती हूँ। अगर पार्ट में करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सम सही होंगे। जनरली आप लोग प्रॉब्लम सम से घबराते हैं, वो सारी घबराहट आपकी निकल जाएगी। ठीक है, सो नाउ आई एम चेकिंग लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं तो कहीं आपको बोरियत नहीं होने लगे। इसके बाद मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, बट ये लास्ट एक और लेंगे हम जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आशा गॉट एटी सिक्स पॉइंट एट सेवन फाइव परसेंट मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। मीन्स आशा काफ़ी अच्छी लड़की है, क्योंकि उसके परसेंटेज से ही समझ में आ रहा है कि उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं। इफ शी गॉट 695 मार्क्स, मतलब अगर परसेंटेज में बोलें तो शी गॉट 86%, और मार्क्स के फॉर्म में बोलें तो शी गॉट 695 मार्क्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। आशा एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट जो आया है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल एग्जाम था, बट शी गॉट 695 मार्क्स आउट ऑफ, ये मुझे नहीं पता। अगर इसी को मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ तो शी गॉट 86 पॉइंट समथिंग परसेंट इन देयर एग्जाम। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले चीज़ तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आशा जो है वो एक पढ़ने में अच्छी लड़की है। ठीक है, अब हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। अगेन हम यहाँ दो तरीके से करेंगे, लेट द टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स बी एक्स, राइट। शी गॉट 86.875% ऑफ द टोटल मार्क्स। परसेंटेज हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है, और ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, सो व्हाट विल डू, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे इनटू एक्स। ये टोटल जो है इक्विवेलेंट दिया है 695 के। यहाँ आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंड शी गॉट 695 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, ये आप आपके हिसाब से स्टेटमेंट को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इक्वेट हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स सारा ट्रांसपोज कर देंगे हम, 695 इंटू 100 अपॉन 86.875। डेसिमल हटाएंगे तो थ्री जीरोस लगेंगे, इसकी काटाशाटी करेंगे, काटने शाटने के बाद ये जो आंसर आएगा इसका, दैट इज 800 मार्क्स। यूनिट हमेशा लिखेंगे नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। मीन्स आशा को 695 मार्क्स मिले थे 800 में से। क्लियर हो गया, ये हमने क्या एज्यूम किया, एक्स। सिंपल से क्वेश्चन था, 86 पॉइंट समथिंग परसेंट मिले उसको एक्स में से, और वो टोटल मार्क्स उसका रिजल्ट का दिया हुआ था 695। तो हमने एक दो लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम 100 लेके भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आशा की एग्जाम कितने मार्क्स की थी, लेट द टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स बी
100, मतलब हमें मान के चल रहे हैं कि आशा ने जो एग्जाम दिया है वो 100 मार्क्स का है, इफ सपोज, श्योर नहीं है, मान के चल रहे 100 मार्क्स का एग्जाम है और उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 86.875% है, 100 का परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, इतने ही मार्क्स हैं। आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, इफ शी गेट्स दिस मच मार्क्स देन द टोटल मार्क्स आर 100। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसे 86 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिल रहे हैं। अगर 1 मार्क का पेपर होता, इफ शी गेट 1 मार्क, वही यूनिटरी मेथड, देन 100/86.875, यही होता यूनिटरी मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। उसे तो एक्चुअली में ना इतने मिल रहे हैं ना इतने मिल रहे हैं, उससे 695 मार्क्स मिल रहे हैं। इफ शी गेट 695 मार्क्स देन द टोटल शुड बी 100/this × 695। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 800 मार्क्स, मतलब आशा ने जो भी एग्जाम फेस किया था तो द टोटल वॉज 800 एंड शी गॉट 695। एंड आशा इज अ क्वाइट गुड स्टूडेंट क्योंकि उसको 86% मिला है। तो स्टूडेंट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो नाउ आई एम मूविंग टू द एक्सरसाइज NCERT, ठीक है।